ट्रैफिक व्यवस्था को और सकुशल बनाने के लिए तथा एडीजी अखिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे त्रिनेत्र अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सीईओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सभी थानों के पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में बैठक की गई। सीईओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह के द्वारा बताया गया कि अगर आप सभी ईमानदारी से काम करते हैं तो अपने कर्तव्यों का निर्माण कर पाओगे या थाने का कोई भी कार्य हो वह पूरा कर पाएंगे और सभी को समय को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी करना चाहिए। उन्होंने सभी महिला कांस्टेबल तथा पुरुष कांस्टेबल को हिदायत दिया कि सभी लोग दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं और जनमानस को भी जागरूक करें। इस अवसर पर पीएसआई मनोज कुमार राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। तो ऐसे में अपने जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जब आपका जीवन रहेगा तभी अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाओगे या थाने का कोई कार्य है वो कर पाएंगे। ज्यादातर हमने देखा कि बहुत सारे, मैं काफी एक लंबे समय तक राजकीय रेलवे पुलिस में विभिन्न थानों में इंस्पेक्टर रहा और उस अवधि में मैं देखा कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी हुआ करते थे जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के रैंक के थे और पोस्टिंग बनारस में है, कोई परिवार लेके इलाहाबाद में रहता था, कोई अपना कहीं रहता था, कोई मुगल सराय में रहता था, कोई कहीं रहता था। जब स्कोर्ट का ट्रेन का टाइम होता था, ड्यूटी का टाइम होता था तो जल्दबाजी में भाग के ट्रेन पकड़ते थे, अपने प्राइवेट साधनों से भागते थे, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, बाइक से। तमाम ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि जल्दबाजी में ट्रेन पर प्लेटफॉर्म से चढ़ने में लोगों के पैर फिसल गए, गिर गए, कट गए और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा देखो, एक चाहे जितने बड़े पद पे कोई अधिकारी हो, मैं कांस्टेबल से लेके और डीजीपी तक की बात कर रहा हूं, किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा नहीं होते। कि होता है किसी के पास पर अपने काम पर जहां आपका कार्यस्थल है वहां पहुंचने के लिए अगर समय से हम निकल जाते हैं तो हम तनाव रहित होकर अपने